हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेवल गीक्स। एंड मैं सनी आपके खुद के चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता है। अभी टाइम हो रहा है 7:20। आज थोड़ा सा जल्दी रेडी रहना पड़ा क्योंकि जर्नी थोड़ी सी दूर की है। जी हाँ, तो आज मैं जा रहा हूँ यार प्रतापगढ़ फॉर्म। मैंने एक वीडियो भी डाला था लोहागढ़ फॉर्म का, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसा ही एक प्रतापगढ़ फॉर्म है विच इज़ क्वाइट फेमस। वो बेसिकली वहाँ पे डे आउटिंग है जहाँ पे यू नो काफ़ी सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं एंड ऑफकोर्स फूड की अगर बात करें ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह सब मिलता है वहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी जो टिकट क्राइटेरिया है वो है 1150 रुपये और जो बच्चों का है वो है 650 रुपये। तो मैं वहाँ जाके आप लोगों को अपडेट करूँगा क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या यू नो चीज़ें हैं दैट यू वेंस विल गो देयर यू कैन एक्सप्लोर। तो चले चलते हैं, लेट्स मीट ऑन द रोड। दोस्तों फाइनली प्रतापगढ़ पहुंच गए हम और ये प्रतापगढ़ की पार्किंग है। यहाँ गाड़ी लगाई है अभी, पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। अभी कुछ खाने के काउंटर लगे हुए हैं। क्या क्या है यार इसमें? आलू सब्जी है सर। ये आलू की सब्जी है यहाँ पे, गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी, दही, ये दही है यहाँ पे, पूरी पराठा, दाल मक्खन, पूरी पराठा, ये पराठे बने हुए आलू के। कौन से आलू के? ये आलू गोभी के पराठे यार, वाह। ये बटर लग रहा है मेरे को, वाइट वाला ना, वाइट। अरे वाह गजब यार। ये ग्रीन चटनी है, ये ग्रीन चटनी है। यहाँ पे ये मिर्ची सिकी हुई है हमारी, तली वाली अचार है और ये फाइनल जलेबी। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी यहाँ पर आएंगे तो यार यू विल बी हैविंग यू नो नंबर ऑफ आइटम इन ब्रेकफास्ट, सो यू विल गोना एंजॉय दीज आइटम्स एज वेल एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव दिस। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे स्टैग एंट्री अलाउ नहीं है। अगर आप चाहें तो अकेले, आप सोच रहे हैं आना आपकी अकेले आ जाएंगे खा पी के चले जाएंगे, तो दे डोंट अलाउ स्टैग एंट्री। तो फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ अपने यू नो आ सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर आके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितने सारे स्कूल के बच्चे भाग रहे हैं और ये एक काउंटर अलग लगा हुआ है मेरे पीछे अगर आप देखें खाने का, तो दिस इज़ अनदर काउंटर। तो यहाँ पे भी वही आलू के पराठे, पूड़ी सब्जी वगैरह, गट्टे की सब्जी वगैरह सब मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ आई हुई है, स्कूल के बच्चे यहाँ से वहाँ खेल रहे हैं एंड खाने के काउंटर तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका था। बाकी अगर आप देख सकते हैं पीछे भी इनका सिटिंग एरिया अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और ये एक जगह नहीं है, ये पीछे की तरफ भी सिटिंग एरिया है इस काउंटर के बैक साइड में और उधर भी है। सो देर आर 2-3 सिटिंग एरिया एंड ये देखिए चेयर भी यहाँ पे इन्होंने बहुत ही मतलब यार अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे गुलगुले बनाए जा रहे हैं, आंटी जी गुलगुले बना रही हैं। राम राम आंटी जी। तो ये मीठे गुलगुले हैं, चलो ये खाए जाते हैं। बने इसमें बने हुए दो दीजिए मेरे को।
प्योर देसी साहब है यार, आपको यहाँ पे ऑफिस दिखा देता हूँ मैं। तो ये गुलगुले जा रही हैं आंटी जी, चलिए खाए जाते हैं गुलगुले। बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम जी। तो यार यहाँ पे गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी मिल रही है हमें, ये भी ट्राई की जाए। देसी घी ऊपर से गया और ये खिचड़ी कड़ी भी है, कड़ी लंच में मिलाएगी। खिचड़ी आ गई और कड़ी भी मिलेगी, लेकिन कड़ी लंच में है। दोस्तों यहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया जा रहा है। ये रोटी गई मक्के की चूल्हे पे, एंड वैसे भी चूल्हे की रोटी का टेस्ट ही अलग होता है यार। चलो ट्राई करते हैं। एंड इधर जो है, इधर बाजरे की रोटी बनाई जा रही है। ये देखिए चूल्हे पे गई, एंड लहसुन की चटनी के साथ मिलेगी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो ये भी ट्राई करते हैं, और गुड़ भी मिलेगा इसके साथ, मक्खन भी साथ में वाइट वाला। तो चलो ये भी ट्राई करते हैं। चलो यार बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खा ली, सरसों का साग भी खा लिया मक्के की रोटी के साथ। अब भाई हमारे जलेबी खिलाएंगे, गरम गरम यहाँ पे तली है इन्होंने। उसके साथ दूध है, रबड़ी है, दूध मिलेगा गरम गरम, लेकिन दूध नहीं पीना यार, हैवी हो जाएगा। तो जलेबी खाते हैं खाली, बस बड़ी टेम्पटिंग लग रही है यार जलेबियाँ। चलो लेट्स गिव अ ट्राई, थैंक यू। चलो दोस्तों चक्की चलाते हैं यहाँ पर अब। राम राम जी। राम राम जी। मक्खन बना रहे हैं आप? अच्छा चलिए बताइए कैसे बनाते हैं। ये एक अलग सेक्शन है इंडोर स्पोर्ट्स जोन का, फैमिली एंड कॉर्पोरेट्स ओनली। तो आई सेड यार कि यहाँ पर स्टैग अलाउ नहीं है, तो या तो कॉर्पोरेट्स आएंगे या फैमिलीज आएंगी, उन्हीं को ये अलाउ करते हैं यहाँ पर। इवन यहाँ पे जो खाने के इनके अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं ना, वहाँ भी इन्होंने मेंशन कर रखा है फैमिलीज एंड कॉर्पोरेट्स। नॉट बैड, कोई था नहीं दूसरे एंड से। एंड यहाँ पे टीटी भी लगा हुआ है यार, मतलब आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ गेम्स। तो ये अलग सेक्शन है सारे इंडोर ही, बट अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग सेक्शन में। इधर ये अलग गेम है, इधर पूल है, उधर अलग गेम है। तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। गाइस ये अनदर एक इनका सेगमेंट बना हुआ है, मिट्टी स्नान, ट्यूबवेल स्नान। तो ये दिस इज़ ओनली फॉर जेंट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी अंदर की तरफ। तो देखो यार बढ़िया बना हुआ है ना।
गाइस इनका गेम जोन बना हुआ है, बाउंसी जोन। चले चलते हैं अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के सेक्शन बने हुए हैं, एक मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं, एंड इधर भी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, क्रॉप वेजिटेबल्स, खेत वगैरह एक्सेट्रा। एंड पीछे की तरफ मैंने आपको इंडोर गेम्स सिखाए थे, आउटडोर गेम्स सिखाए थे, झूले दिखाए थे। तो बच्चों के लिए यहाँ पे यू नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इन्जॉय, स्पेशली बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ भी देखिए बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं मेरे पीछे, पीछे की तरफ इंडोर गेम है, बच्चों खेल रहे हैं जो बना रखा है बैक साइड। तो चलिए चलते हैं एंड एक्सप्लोर दिस, द क्रिकेट, फुटबॉल, बॉलिंग एली, मिनी गोल्फ, गुल्ली डंडा एंड पिट्ठू। सी सारे के सारे गेम्स हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं एंड लेट्स प्ले। दोस्तों इनका एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स जोन बना हुआ है, चलो चलते हैं। एंड यहाँ पे यार ट्रैक्टर दिख रहा खड़ा हुआ एंड लाइन लगी हुई है यहाँ पे सवारी करने के लिए। इनका बॉडी वार्मिंग बना हुआ है एंड लुक एट दिस, बच्चे खेलने में लगे बड़े हैं। तो यार बच्चे मिले हैं कुछ यहाँ पे खेलने के लिए, तो चलिए बच्चे से की हाय बच्चों, क्या क्या नाम है आपके? हेलो, गेम कौन सा यार ये वाला? बॉडी वार्मिंग खेला ये वाला? Yes. कैसा लगा ये वाला गेम? खिलाया नहीं, कोई है नहीं खिलाने के लिए यहाँ पे? चलो वन 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 बाई वन नाम बताओ पहले अपने, आपका नाम? कौन सी क्लास में हो? एंड यू कौन? सब सेवन्थ में है। अक्षत, सेम क्लास। तो गाइस अच्छा ये कहाँ बनाया हुआ है? भिवानी भिवानी में हो? ओके
दोस्तों ये एडवेंचर जोन के अंदर ही स्पोर्ट्स जोन बना हुआ है यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं अंदर। वाह यार मस्त बना हुआ है यहाँ पे तो हिसाब किताब। एंड यू कैन सी हियर द स्पोर्ट्स जोन इज़ क्वाइट बिग। चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये वाला जोन भी। राम राम जी। चलो यार थोड़ी फ्रेश फॉर्म की खेतों की मूली खाई जाए। भाई लगा रहे हैं अभी मूली पे मसाला विद नींबू। खाली मूली भी और कुछ भी है दोस्त? गन्ने उधर हैं है ना? अच्छा तो दोस्तों आज का ट्रिप हमारा यहीं ख़त्म होता है प्रतापगढ़ का। एंड काफ़ी मज़ा आया यार, इट वाज अ फन बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विलेज से रिलेटेड हैं। देसी खाना ऑफ कोर्स,
सरसों के साग, मक्के की रोटी, बाजरा की रोटी, देसी घी की, गुड़, सफ़ेद वाइट बटर, अंदर आर लॉट ऑफ थिंग्स, खेत की मूली, गन्ने एक्सेट्रा, एंड अमेजिंग ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद लंच। कुछ यहाँ पे काउंटर ऐसे हैं जो पूरा दिन चलते हैं, बाकी लंच में भी काफ़ी सही हिसाब किताब था। एंड रही बात यार यहाँ की एम्बियंस की, एटमोसफियर की, यहाँ का स्टाफ बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी सपोर्टिव है एंड सिक्योर भी है। इट इज़ नॉट समथिंग की एरा गैरा स्टाफ है, स्टाफ इज़ रियली गुड। एंड पार्किंग भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, पार्किंग एरिया में आके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, तो यू कैन इमेजिन द क्राउड कि कितना क्राउड होगा, और पीछे स्कूल की बसें भी खड़ी हुई हैं। एंड रियली यार इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप जो यू नो अभी मैंने किया है। एंड रही बात वीडियो की, इसको मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। एंड मीनवाइल यार अगर आपको यू नो कोई ऐसी जगह है आप लोगों के पास दैट यू वांट मी टू मेक अ ब्लॉग ऑन दैट, अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर डालिएगा, उस जगह का नाम लिखिएगा, मैं डेफिनेटली वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा एंड आई अपलोड ऑन द यूट्यूब। चलिए चलते हैं एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।